नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्यूब चैनल पंडित ब्रोज में। मैं नाम है लोकेश पंडित। मैं नाम है रोज पंडित। सो दोस्तों, आज की वीडियो काफी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग होने वाली है और उस वीडियो का टाइटल है आदि पुरुष कंट्रोवर्सी, फिल्म आदि पुरुष को लेकर बड़ा विवाद। दोस्तों, जैसा कि आपको ही फिलहाल मतलब कि कुछ ही दिनों में पता चला होगा कि जो आदि पुरुष है इसका ट्रेलर लॉन्च कर दिया गया, और इस ट्रेलर में जो हीरो है, मेन रोल है, मतलब कि उनका सुभाष मतलब कि प्रभास अमेरिका से, हाँ प्रभास का रोल है, और ये काफ़ी माने जाने हीरो है जो साउथ के, क्योंकि जो जो फिल्म आई थी बाहुबली उससे ये बहुत फेमस हो चुके थे, पूरे इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में, और इन पे ही ये फिल्म है जो मेरे ख्याल से रामायण के ऊपर आधारित है। मगर इनके जो करेक्टर के ऊपर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं, और ऐसे करेक्टर में क्या है नहीं है वो तो हमें पता नहीं, मगर उस वीडियो को देखने के बाद पता चलेगा। सो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, वीडियो मिलके शुरू करते हैं। श्री राम की नगरी अयोध्या में प्रभास और सैफ की मच अवेटेड फिल्म आदि पुरुष का ग्रैंड टीजर लॉन्च हुआ, लेकिन जैसे ही फिल्म का टीजर सोशल मीडिया पर पहुंचा हंगामा खड़ा हो गया। सैफ के रावण लुक पर सवाल उठने लगे, लोग रावण बने सैफ का कंपैरिजन अलाउद्दीन खिलजी से कर रहे हैं। आरोप तो ये भी लग रहा है कि आदि पुरुष में भगवान शिव के परम भक्त रावण का इस्लामीकरण किया गया। क्या है पूरी सच्चाई, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। लुक थोड़ा लग रहा है वैसे ना, मॉडर्न दिखा रखा, मॉडर्न करा, मॉडर्न टाइप कटिंग कैसी है, कैसी है ये रावण कम कुछ और ज्यादा लग रहा है, एनिमेशन भी लगा रखे हैं। सोशल मीडिया पर फिल्म आदि पुरुष के रावण का ये लुक ट्रेंड कर रहा है। सैफ पर फिर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इल्जाम लग रहा है। रावण नहीं बल्कि वो मीर जाफर है, वो अलाउद्दीन खिजली है, मीर बाकी है, औरंगजेब की तरह बना दिया तुमने, यानी कि रावण का आपने इस्लामीकरण कर दिया। सवाल बिना मूछ वाले हनुमान पर भी उठ रहे हैं, क्यों आप इस तरह का कर रहे हो भाई, बहुसंख्यकों की भावनाओं को आहत न करो। जाए धरती या चटक जाए आकाश, आदि पुरुष को लेकर ये बवाल क्यों मचा, हम आपको इसकी एक एक डिटेल बताएंगे। लेकिन पहले बाहुबली फेम प्रभास की मच अवेटेड फिल्म आदि पुरुष के इस टीजर को गौर से देखिए। ये फिल्म वाल्मीकि रामायण पर बेस्ड है। फिल्म में प्रभास श्रीराम के रोल में है, कृति सेनन माता सीता का किरदार निभा रही है, सैफ अली खान लंकेश के रोल में है, सनी सिंह लक्ष्मण के किरदार में है, जबकि देवदत्त नागे हनुमान के रोल में है। आदि पुरुष अगले साल 12 जनवरी को रिलीज होगी, लेकिन टीजर रामनवमी के मौके पर जारी कर दिया गया है। टीजर लॉन्च करने फिल्म के लीड एक्टर प्रभास, कृति सेनन और मेकर श्रीराम की नगरी अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में सरयू नदी के किनारे बेहद ग्रैंड तरीके से आदि पुरुष का टीजर लॉन्च किया गया। टीजर लॉन्च होते ही सोशल मीडिया पर हंगामा हो गया। सिर्फ वायरल ही नहीं, आदि पुरुष पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, और इसकी वजह है सैफ अली खान। आदि पुरुष के टीजर में सैफ अली खान का लुक एकदम अलग नजर आया है। यहाँ रावण के अवतार में सैफ के बाल छोटे हैं, आंखों में सुरमा, चेहरे पर दाढ़ी और बॉडी पर ब्लैक आउटफिट है। टीजर में सैफ काफी खूंखार नजर आ रहे हैं, पुष्पक विमान के बजाय सैफ को चमगादड़ जैसे दिखने वाले जीव पर उड़ते दिखाया गया है। लोग सैफ के रावण लुक का कंपैरिजन खिलजी से कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि फिल्म में भगवान शिव के परम भक्त रावण को इस्लामिक आक्रमणकारी जैसा दिखाया गया है। सैफ के लुक को हिंदुओं की भावनाओं के खिलाफ बताया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
यूजर्स को आदि पुरुष के बिना पूंछ वाले हनुमान से भी एतराज है। एक यूजर ने फिल्म में हनुमान का स्क्रीनशॉट शेयर किया है। रामायण में हनुमान और आदि पुरुष में मुसलमान कोई भी हिंदू बिना मूंछ के दाढ़ी नहीं रखता है। सवाल फिल्म के वीएक्स पर भी उठ रहे हैं। फैंस कह रहे हैं कि आदि पुरुष का वीएफएक्स किसी वीडियो गेम से लिया गया है। सोशल मीडिया यूजर्स रामायण के एनिमेशन की तस्वीर शेयर करके लिख रहे हैं कि वो आदि पुरुष से कहीं ज्यादा बेहतर है। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणि महाराज ने तो यहां तक कह दिया है कि फिल्म में सैफ रावण कम, खिलजी चंगेज खान और औरंगजेब ज्यादा लग रहे हैं। जो रावण का करैक्टर है, रावण अपने आप में भगवान शिव का परम भक्त था और उसमें जो ऋषि विश्वेश्वरवा के पुत्र थे, तो आप जरा सोचिए कि जो भगवान शिव का अनन्य भक्त जिसने शिव तांडव तक की रचना की, जटाटवी गलत जुला प्रवाह पावित स्थले गलेव लंबे लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 निनाद वट डमर एवं चकार चंड तांडव तनो तुन शिव, और भक्ति की पराकाष्ठा देखिए कि वो अपने सर को काट के भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर देते थे। ऐसे भगवान शिव का जो पोस्टर जारी हुआ उसमें जो आप देखो तस्वीर है, उसमें सुरमा लगा करके ऐसे लग रहा है कि वो रावण नहीं बल्कि चंगेज खां है, रावण नहीं बल्कि वो मीर जाफर है। जो रावण अजीब स्थिति वहाँ पे जैसे लग रहा है कि जो है वो अलाउद्दीन खिजली है, मीर बाकी है, औरंगजेब की तरह बना दिया तुमने। यानी कि रावण का आपने इस्लामीकरण कर दिया, रावण का मतलब आप इस्लामिक आतंकी के रूप में दिखा रहे हो, तो ये ठीक बात नहीं है। अब सवाल यह है कि आखिर बार बार हिंदुओं की भावनाओं को टारगेट क्यों किया जाता है, बार बार हिंदुओं के देवी देवताओं को निशाना क्यों बनाया जाता है, क्या फिल्म इंडस्ट्री के लिए हिंदू सॉफ्ट टारगेट है? वैसे आदि पुरुष दूसरी बार कंट्रोवर्सी में फंसी है। इससे पहले दिसंबर 2020 में जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो सैफ के एक बयान ने सनसनी मचा दी थी। एक इंटरव्यू में सैफ ने बातों बातों में यहां तक कह दिया था कि फिल्म में रावण का श्री राम के साथ युद्ध करना और सीता हरण करना ऐसा दिखाया जाएगा जो उसे जस्टिफाई करेगा। इसमें दिखाया जाएगा कि सीता का अपहरण और राम के साथ युद्ध जायज था क्योंकि लक्ष्मण ने रावण की बहन सुपर्णखा की नाक काटी थी। सैफ के इस बयान को लेकर काफी बवाल मचा था। लोगों ने इसे हिंदू धर्म का अपमान बताया। हिंदू संगठनों ने फिल्म को बायकॉट करने की वार्निंग दे दी, जिसके बाद सैफ को माफी मांगनी पड़ी। मुझे खबर मिली है कि इंटरव्यू में मेरे दिए गए बयान के कारण लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। मेरा यह इरादा कभी नहीं था। मैं सभी से ईमानदारी से माफी मांगता हूँ और अपने दिए बयान को वापस लेता हूँ। मेरे लिए भगवान राम हमेशा से धार्मिकता और वीरता के प्रतीक रहे। भाई हमने जो वीडियो देखी और वीडियो देख के जो हमें समझ में आया, जो उन्होंने जो रावण का लुक्स और जो मेन जो हनुमान का लुक है, उस लुक्स में जो काफी विवाद हो रहा है और जो हमने देखा वो सच में विवाद होने का कारण भी है, क्योंकि जो हमने पिछली जो हमारी रामायण देखी और जो आपकी रामायण है उसमें काफी डिफरेंस हो गया। और जो रावण का लुक दिखाया काफी मॉडर्न दिखाया गया, उनके जो आंख में काजल दिखाए गए हैं, बालों में कटिंग दिखाई गई, तो ये रावण का खासकर मेरे ख्याल से अपमान है। और जहां तक हनुमान जी की बात की जाए, हनुमान जी की दाढ़ी दिखाई गई और मूछ ही दिखाई, जो कि एक मुसलमान जी का जो मुसलमान लोग होते हैं वो ऐसा ऐसा करते हैं और ऐसा प्रतीक दिखाया गया, तो ये एक गलत है और हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाती है। हाँ, और बात करें तो मतलब जो इस मूवी में मतलब जो रावण का रोल है वो मतलब जो हमारे ये सैफ अली खान वो निभा रहे हैं, और जो प्रभास है वो हमारे जो राम जी है उनका उसका रोल निभा रहे हैं, और जो हनुमान जी थे मतलब इनमें मेन बात तो दो मतलब मुद्दे पर उठी हुई है, जो एक रावण के करेक्टर पर और एक जो हमारे हनुमान जी थे उन पर उनके करेक्टर पर। और ये बहुत ही गलत चीज़ है, क्योंकि हमने भी इस वीडियो को देखा और हमारे मतलब कि हमारे जो सब्सक्राइबर वो भी इस वीडियो को देखेंगे और उनमें काफ़ी अंतर भी लग रहा है, और ये गलत भी है क्योंकि आपकी हमारे जो हमारा प्रतीक है, हमारे जो हमारी सालों से चलती आ रही है, आप उससे आके अगर आप मॉडर्न टाइम में आगे छेड़छाड़ करो तो ये चीज़ गलत होती है और लोगों को भी काफ़ी बुरी लगती है। हाँ, और बात करें तो मतलब जो उनका लुक है, जो रावण का लुक है, मतलब एक तरह से अलाउद्दीन खिलजी से कंपेयर किया गया है, और यूँ बोल रहे हैं कि जो इस्लामिक लुक है वो मतलब उनको दिया गया है। हाँ, क्योंकि लग भी रहा है, तो इस्लामिक लोगों को काजल लगा रखा है। और जहाँ तक रावण की बात करी जाए, रावण भी भगवान शिव जी का बहुत ही बड़ा भक्त था, और ऐसा वैसा मतलब कि वो उनके भी ऐसे आप मतलब पान करना बहुत ही गलत बात है। और उन्होंने जो एक शिव तांडव की भी रचना करी थी,
और वो इतने बड़े भक्त थे भोलेनाथ के कि उन्होंने अपना गर्दन काट के उनको समर्पित कर दिया था। और उनको उनके इतिहास में उनके काफ़ी मतलब कि ऐसी जगह आप श्रीलंका जाएंगे वहाँ पे उनके अवशेष मिलेंगे, और वहाँ पे उनकी पूजा भी कैसे गाँव में जहाँ पे उनकी पूजा होती है और ना पे उनका अपमान किया जाता है, उनको भी अच्छे नज़रिए से देखा जाता है। हाँ, और बात करें तो ये मतलब जैसे ये मूवी है मतलब एक तरह से कार्टून टाइप लग रही है, मतलब इसमें VFX डाल रखे हुए हैं, जैसे लगता है कि कोई हम कार्टून जो एनिमेटेड मूवी होती है ना वो देख रहे हैं। हाँ, क्योंकि ट्रेलर में ही ऐसे थोड़ा बहुत जैसा लग रहा है, जैसे कि रावण जिसपे सवारी करके बहुत बड़े चमकादड़ टाइप का कुछ था उसको लग रहा था, जैसे कि वो कार्टून टाइप में जो हाँ VFX थे वो कुछ ऐसे कार्टून टाइप के लग रहे थे। हाँ, कुछ मीन्स भी ऐसे आए थे, मतलब हाँ हमने बीच मीन्स भी में देखे थे कि बच्चे भी हाँ वहाँ पर थोड़े हंसी वाले थे कि बच्चे भी यूँ कह रहे थे कि अपने बच्चे अपने पापा से पूछ रहे हाँ पापा ये मतलब कि कौन जो सी मूवी है ये कौन पोगो पे कब कौन रिलीज होगी। तो हाँ काफ़ी ऐसे जो ऐसा भगवान का आप ऐसे फिल्म बना रहे हो और वो ऐसे बच्चे भी मतलब कि मीन्स क्या वो ऐसे लगे कार्टून की कुछ एडिटिंग हो तो अजीब सा लगता ही है थोड़ा बहुत। सो दोस्तों ये थी हमारी ओवरऑल वीडियो, अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ से बनाएं। नमस्ते दोस्तों दोस्तों।